हेलो एंड नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर योगेंद्र गुर्जर और आप सभी का प्रयोग नर्सिंग कोचिंग की लाइव क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, कल जो मैंने वीडियो बनाया था उस वीडियो का आप सबका बहुत प्यार बहुत सपोर्ट मिला है और मैंने कुछ बेसिक फैक्ट्स बताए थे कि जो सीट्स थी उनमें से क्या स्थिति हमारी रही बच्चों की। जो टोटल सीट्स 3700 के आसपास थी उनमें से क्वालिफाई करने वाले मुश्किल से 2650 के आसपास थे। उसमें फिर मैंने कैटेगरी वाइज सारा डिस्क्रिप्शन बताया था कि मेल कितने फीमेल कितने और कट ऑफ कैटेगरी वाइज उनके हिसाब से कितने कैंडिडेट मेल कैंडिडेट आ रहे थे उसके बारे में भी मैंने कल के वीडियो में बता दिया। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं ये चाहूँगा कि आप उस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आप रैंक के बारे में जानने के लिए देख रहे हो। तो मैं सीधा रैंक को लेकर के बताऊंगा कि अगर आपकी इतनी रैंक आई है और इस कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं तो एम्स में नर्सिंग ऑफिसर बनने की कितनी संभावना है। और जो दूसरी सेंट्रल गवर्नमेंट की दो हॉस्पिटल्स आरएमएल यानी कि राम मनोहर लोहिया और सफदरजंग को अगर इंक्लूड कर दिया जाए तो कितनी रैंक तक मिलने की संभावना है, तो ये तो हम बात करेंगे। उससे पहले मैं ये चीज बहुत क्लियर बता दूं कि मैं रैंक बांटने वाला नहीं हूं कि इतनी रैंक को यहां पर दे दो, लेकिन फिर भी ये जो कैलकुलेशन है वो उस एनालिसिस पर बेस्ड है कि जो रैंक लिस्ट निकली है उसमें इतने बच्चे इस कैटेगरी के हैं, इतने बच्चे उस कैटेगरी के हैं, ये हमें मालूम है। टोटल सीट्स भी अपने को मालूम है, तो जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं मिनिमम उससे ज्यादा क्वालिफाई करने वाले बच्चों की लिस्ट भी हमारे सामने, तो उसके आधार पर हम ये बता सकते हैं। प्लस पिछले जो एम्स की जो सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन है उनका रिकॉर्ड देख करके भी एक अंदाजा लगाया जा सकता है। तो ये एक कैलकुलेशन आइडिया बेस्ड है कि अपने आइडिया से हमारे एक्सपीरियंस से हमारी जो टीम है उसकी जो कैलकुलेशन है, जिसने कैलकुलेशन किया उसके हिसाब से इतनी रैंक तक आपको मिलने की संभावना है। अभी बहुत क्वेरीज आई थी, आपने कमेंट्स में भी खूब सवाल पूछे थे कि सर मेरी इस कैटेगरी में ये रैंक है। बहुत सारे बच्चों के फोन नंबर पर मैसेज आए, व्हाट्सएप पर मैसेज आए, कॉल्स भी लगातार कल से आ रहे हैं, तो इसलिए मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी क्योंकि सबको मैं पर्सनली रिप्लाई नहीं दे पाया। कुछ से मैंने बात भी की, अभी भी एक बच्चे से बात हुई थी बालापुर से या किसी ऐसी जगह से था, तो उसकी 1800 भी रैंक है। तो जो सबकी बहुत कॉमन क्वेरीज हैं उनको मैंने सॉल्व करने के लिए ये वीडियो बनाया। बच्चों छोटा सा देखो, कैटेगरी वाइज आपकी जो सीट्स हैं वो मैंने इस टेबल पर लिखी हैं और मैंने इसको अप्रोक्सीमेट किया कि अगर ये 246 हैं तो 250 मान लिए, 248 हैं तो 250 मान लिए, क्योंकि एक दो सीट्स का ऊपर नीचे हो सकता है। अभी मुझे पता चला है कि जो एससी वाली सीट्स है ना 78 थी एक्चुअली, तो 78 को मैंने 80 कर दिया था, लेकिन जिस बच्चे से मेरी बात हुई वो कह रहा है कि सर 5 सीट्स इन्होंने और बढ़ाई हैं, तो टोटल अब एससी की जो कैटेगरी की मेल्स की कैंडिडेट की सीट्स हैं वो 83 हो गई हैं। तो ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है कि कल को सर हम तो कोर्ट में इसके आधार पर लड़ेंगे कि आपने बता दिया था, लेकिन हाँ एक आइडिया आपको लग जाएगा कि आपकी इस रैंक में है तो आप पूरी तरह से सेफ हैं। इस रैंक के बीच में आप बॉर्डर लाइन पर है और इस रैंक के अगर बाहर हैं तो आपकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी इस बार, पर आपको तब भी निराश होने की जरूरत नहीं। हम सॉल्यूशन की बात भी करेंगे, जो बच्चे दुखी हैं परेशान हैं उनके बारे में ज्यादा बात करेंगे, क्योंकि जिनका सिलेक्शन हो गया है ना उनके घर तो लोग बारात लेके पहुंच रहे हैं, साफा पहना रहे हैं और बहुत स्वागत कर रहे हैं। भले ही उसमें मेहनत बच्चे की कितनी है, कॉन्ट्रीब्यूशन कोचिंग का कितना है, वो अभी डिस्कशन नहीं करेंगे। या 10,000 बच्चों में से एक बच्चे का सिलेक्शन अगर हुआ है तो 9,999 की सुध शायद कोई नहीं लेगा, लेकिन हम उन बच्चों के बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो जरूर पूरा देख लेना, मैं बहुत सरल तरीके से समझाऊंगा। ये हमारी सीट्स की संख्या है, टोटल सीट्स जो कि नॉर्सेट में जितने भी एम्स इंक्लूडेड है तो उनमें मिलेगी, और ये सीट जो है आपकी वो जो आरएमएल और सफदरजंग के हॉस्पिटल्स को मिला करके ऐड कर दिया जाए तो ऐड हो जाएंगे, एक्स्ट्रा हो जाएंगे। तो 250 सीट के हिसाब से अभी हम अनरिजर्व्ड मतलब जनरल कैटेगरी है, जनरल में भी ईडब्ल्यूएस को मैंने अलग कर दिया है ताकि उनकी कैलकुलेशन अलग बता देंगे, और अनरिजर्व्ड में जो ईडब्ल्यूएस में भी नहीं है प्योरली जो जनरल में है उनके लिए अपन अगर बात करें तो 250 है सीट्स टोटल। ये 255 हो जाए या 248 हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इसमें जो ओवरऑल रैंक 650 के आसपास जिस बच्चे की आ रही है, शायद 540 तक जनरल की लास्ट रैंक है, मतलब जनरल के बच्चे ने जो क्वालिफाई किया है वो लास्ट 544 ऐसे 546 के आसपास में है, तो इतने रैंक तक के अनरिजर्व कैटेगरी के सब बच्चों को सीट्स मिल जाएगी, बिकॉज वो इसके अंदर अंदर आ रहे हैं, 650 के अंदर आ रहे हैं।
तो ये तो हो गई अनरिजर्व यानी कि जनरल कैटेगरी की बात। अब जो जनरल कैटेगरी की सीट्स बचेंगी, क्योंकि अभी तो खाली रह रही हैं, तो इनको तो सबको मिल जानी है, लेकिन अब जो इनकी खाली सीट रहेंगी उनमें अभी एक बात पक्की है कि ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी के उन बच्चों को लिया जाएगा जिनका स्कोर 50% से ऊपर है, यानी कि जिनका जो मार्क्स आए हैं वो 50% से ऊपर है, क्योंकि इनकी कट ऑफ तो 40-40 थी। मैं यहां ब्रैकेट में लिख भी देता हूं, कट ऑफ मैंने ब्रैकेट में लिख दिया 50% मिनिमम, ओबीसी की 45% और इनकी 40% दोनों की, ठीक है ना। तो इनके 40% वाले तो 450-450 के आसपास बच्चे हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया है, लेकिन उनमें से कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनकी 50 से ऊपर है, तो वो कैटेगरी जनरल में जाएंगे, अनरिजर्व्ड कैटेगरी में उनको सीट्स मिलेंगी। तो लगभग एससी के जहां तक मेरा अंदाजा है 30 बच्चे ऐसे होंगे जिनको जनरल कैटेगरी में आराम से सीट मिल जाएगी, यानी कि जिसकी अभी 80 संख्या थी वो 30 और कम कर दो, क्योंकि 30 जनरल में चले गए, तो ये अब 110 तक जिसकी कैटेगरी में रहेंगे उसको तो 100% मिलेगा। लेकिन अगर आप जो आरएमएल और सफदरजंग वाली सीट्स को अगर आप जोड़ देते हो तो एससी में भी 30 सीट और जुड़ जाएंगी, तो 110 और 30 अगर मिला लो तो 140 के आसपास होती हैं, प्लस कुछ सीट ऊपर नीचे भी हो सकती हैं। तो अगर आपकी 150 के आसपास रैंक है एससी कैटेगरी में, तो आप ये मान के चलो कि लगभग बॉर्डर लाइन पर हो। 150 वाला बच्चा या जिसकी ओवरऑल रैंक मैं आपको बता दूंगा 1800 के आसपास में, वो बॉर्डर पर है। बॉर्डर का मतलब है इसमें बहुत सारे फैक्टर काम करेंगे। क्या क्या फैक्टर काम करेंगे? पहला फैक्टर ये करेगा कि जनरल कैटेगरी में और कैटेगरी के बच्चे कितने एंटर होते हैं। दूसरा फैक्टर ये काम करेगा कि जो सिलेक्शन हुए हैं उनमें ऐसे लोग भी होंगे जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं ज्वाइन कर चुके हैं, उन्होंने सिर्फ इस उम्मीद में एग्जाम दिया होगा कि हमारी रैंक अगर अच्छी आएगी तो हम अपनी पसंद का एम्स ले लेंगे और इस वाली सीट को हम छोड़ देंगे, इस एम्स को हम रिजाइन कर देंगे और अपनी जो पसंद की जगह है, चाहे जोधपुर हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे रायबरेली हो, ऋषिकेश हो, कोई भी जगह हो, वहां अगर मिल जाएगी तो हम छोड़ देंगे। तो अगर उनकी इस बार भी सिलेक्शन तो हो गया, क्वालिफाई कर गए, बट अगर उनकी रैंक अच्छी नहीं है तो वो शायद अपनी जगह से नहीं लेंगे, तो वो अगर सीट नहीं ऑप्ट करेंगे इसमें तो वो सीट आपको ट्रांसफर हो जाएगी इन कैटेगरी वाले बच्चों को। तो बहुत सारे फैक्टर रहेंगे। जनरल में आप ये मान के चलो कि 650 तक की रैंक वालों को पूरी संभावना है, 90% से ज्यादा संभावना है कि कोई ना कोई जो एम्स है वो आपको मिल जाएगा। अब दूर मिले या पास मिले, साउथ में मिले, वो तो रैंक के हिसाब से मिलेगा, ऑब्वियसली बात है। जिसकी पहले रैंक होगी वो सबसे पहले अपनी पसंद की जगह पर ले लेगा। लेकिन अगर आरएमएल और सफदरजंग को मिला दें तो ये अपना सिर्फ एक अनुमान है कि 850,000 रैंक तक के बच्चे हैं ना ओवरऑल, उनको जनरल वाली कैटेगरी के अगर बच्चे हैं तो उनको मिल जाएगी। और क्योंकि जनरल वाले तो 550 के अंदर ही अंदर सिमट गए हैं, क्योंकि उन्होंने क्वालिफाई नहीं कर पाया, तो वो तो पहले ही भर चुके हैं, तो बाकी रैंक वाले बच्चे जो दूसरी कैटेगरी के वो इसमें आ सकते हैं, उनका कुछ भला हो जाएगा। जिनकी जो स्कोर है, नंबर है, वो 50% से ज्यादा, ये रूल तो पहले से चला आ रहा है, मेडिकल में भी होता है, आईआईटी में भी होता है, हर जगह होता है कि अगर कैटेगरी वाले बच्चे के नंबर जनरल के बराबर या उससे ज्यादा है तो उसको जनरल कैटेगरी में सीट मिल जाती है। अगर मैं ओबीसी के रेफरेंस में बात करूं तो 148 सीट है या 146 है, मैंने लमसम उनको 150 मान लिया है, कम ज्यादा हो सकती है। तो आप ये मान के चलो कि जिसकी ओवरऑल रैंक, ये कैटेगरी की रैंक नहीं है, ओवरऑल रैंक अगर 1500 के आसपास आ रही है और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है तो उसको कोई ना कोई एम्स मिलने की संभावना है। और ये बहुत सिंपल सी बात है कि अगर रैंक 1500 के ज्यादा पास में है तो संभावना थोड़ी कम है, 1500 से जितनी कम होगी, मतलब 1000-1200 की तरफ होगी, उतनी ही संभावना ज्यादा है। तो कुछ बच्चे बॉर्डर लाइन पर भी होंगे और कुछ बच्चों का 100% कंफर्म हो गया है और कुछ बच्चों का 100% ये भी तय कि इस बार हमारी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है। तो आप किस कैटेगरी में आ रहे हो, किस लेवल पर हो, ये आप खुद का एनालिसिस करो। बहुत बच्चों ने कमेंट में अपनी रैंक डाली है कैटेगरी वाइज, तो वो अपना कैलकुलेशन इस टेबल के हिसाब से कर लो, और ये टेबल भी कोई पत्थर की लकीर नहीं है, पर हाँ एक एक्सपीरियंस है, आपको आइडिया लग जाएगा कि इतनी इतनी रैंक तक संभावना है। तो सिमिलरली अगर एससी कैटेगरी में बात करूं बच्चों, 1600 तक की रैंक अगर है तो आपको नॉरसेट में ही मिल जाएगा, 1800 से 2000, ये वैसे 1900 भी हो सकती है, लेकिन 2000 रैंक तक के भी बच्चे को उम्मीद नहीं छोड़नी है जब तक फाइनल
सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो जाता, सीट्स आपको नहीं मिल जाती, अलॉट नहीं हो जाती हैं, तब तक आप उम्मीद रख सकते हो। और कैसे उम्मीद रखनी उसके बारे में मैं आगे बात करूंगा, पहले एक बार ये बता देता हूँ। एसटी वाले बच्चे क्योंकि क्वालिफाई करने वाले ही कम हैं, तो उनको तो पूरी सीट भर जाएंगी, उनके सबके सिलेक्शन हो चुके हैं। तो जिसने भी क्वालिफाई किया है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में और एसटी कैटेगरी में, वो प्रसाद बांट सकते हैं, वो भगवान को धन्यवाद कर सकते हैं। कोई छोटी मोटी पार्टी करना चाहो तो कर सकते हो कि अगर आपने इस मेरिट में आपका नाम है, क्वालिफाई लिस्ट में आपका नाम है, तो आपकी कैटेगरी के हिसाब से आपको 100% मिल जाएगा, कोई ना कोई एम्स मिल ही जाएगा। लेकिन हाँ, जो अनरिजर्व्ड और ओबीसी और एससी कैटेगरी के बहुत पीछे रैंक वाले बच्चे हैं, क्योंकि 2670 या 2668 टोटल जो बच्चे आए हैं, उनमें से जो 2000 के बाद वाली रैंक के हैं, उन बच्चों के लिए रास्ता थोड़ा सा मुश्किल है, राह कठिन है आपकी, आपको अभी थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। और जिनकी रैंक उसके जितना अंदर की तरफ है, उतना ही उनको सेफली ये कैटेगरी में आपको सिलेक्शन हो जाएगा। आप नर्सिंग ऑफिसर बन चुके हैं, आप सबको बधाइयां। और एक ट्रेंड होता है बच्चों, क्या ट्रेंड होता है कि उगते हुए सूरज को दुनिया सलाम करती है। जिस बच्चे का सिलेक्शन हो गया है, हमारे भी बच्चे का सिलेक्शन हुआ है, 455 रैंक आई है, तो उसका भी फोन आ गया, हमने भी बहुत बधाइयां दी, और ये खुशी बनती है, उसने मेहनत की है, उसका सिलेक्शन हुआ है, तो उसको तो खुशी आज होगी और होनी भी चाहिए, और हम भी उस खुशी में शरीक है। और आपको भी बधाई देना बनता है कि आप जो बच्चा सफल हुआ उसको बधाई दो। लेकिन जो बच्चे अनफॉर्चुनेटली किसी कारणवश इस नॉर्सेट जून वाले में अगर सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं, तो उनके लिए मैं एक बात कहना चाहता हूं, क्योंकि कल से हमारे पास जो कॉल्स आई हैं, जो मैसेजेज आए हैं, जो कमेंट्स आए हैं, उससे ये पता चल रहा है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं बच्चों जिन्होंने दो दो बार कोचिंग भी कर ली है, जिन्होंने चार चार साल तैयारी को दे दिए हैं, कुछ सेल्फ स्टडी करी, कुछ कोचिंग में किया, कभी ऑफलाइन लिया, कभी ऑनलाइन लिया, और सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे बच्चे जिनका हाल अभी कोई पूछ नहीं रहा है, उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रयोग नर्सिंग कोचिंग ऐसे बच्चों के लिए बहुत भारी छूट पर, जो हमारे कोर्सेज है ना ऑफलाइन वाले और ऑनलाइन वाले, उन सब पर डिस्काउंट के साथ में, लेकिन आपको पूरा डिटेल हमें बताना पड़ेगा कि आपने पहले कोचिंग की हुई है तो किस कोचिंग से किया है, और आपने उसमें ऑफलाइन लिया था या ऑनलाइन लिया था, जितनी फीस आपने दी थी उसके अकॉर्डिंग हम अपनी फीस में आपको डिस्काउंट देंगे। और अगर आपकी कोई विशेष मजबूरी है वो भी आप बता सकते हो, क्योंकि जरूरतमंद बच्चे की मदद के लिए प्रयोग कोचिंग हमेशा आगे रहती है। मैंने जो कमेंट देखे उसमें 95% बच्चों ने कहा कि सर जो आपने बातें वीडियो में कही हैं, इससे पिछले वाले वीडियो में, वो 100% सही है उनके हिसाब से। कुछ एक बच्चों का था कि सर आप भी तो कोचिंग चला रहे हो तो आपकी कोचिंग से क्या हुआ है, तो मैं आपको बता देता हूं कि मेरा सवाल सिर्फ ये है कि जिन कोचिंग में 500-500 के एक बैच चल रहे हैं या 10-10 हजार लाइव क्लास को ले रहे हैं, तो आप अगर सिलेक्शन रेशियो का अगर बात करो तो आपको ये पूछना चाहिए कि अगर 1000 में से एक बच्चा सेलेक्ट हो या 10,000 के बैच में से अगर 10 बच्चे भी सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं, तो वो परसेंटेज बहुत ज्यादा खराब है। मेरी कोचिंग में जब 60 बच्चे का बैच था, कोविड से पहले की बात बता रहा हूँ, उसमें से 45 बच्चे सेलेक्ट हुए थे, कंबाइंड एम्स की बात कर रहा हूँ। उसके बाद जो लास्ट बैच हमने चलाया था उसमें भी 30 बच्चे थे, जिनमें से 20 बच्चे उसी साल सेलेक्ट हो चुके हैं, और बाकी बच्चे भी ये बात जानते हैं कि जो पढ़ाई उन्होंने की है वो एक्चुअली एग्जैक्टली उस लेवल की है जो नर्सिंग ऑफिसर के एग्जाम के लिए होनी चाहिए। जो उनके हिस्से की कमी है वो अपनी कमी को पूरा कर रहे हैं, वो आज भी हमारी कोचिंग से जुड़े हुए हैं, टेस्ट सीरीज लगातार देने आते हैं, हमारे जो एक्सप्लेनेशन होते हैं उनको लाइव लेते हैं, ऑनलाइन भी लेते हैं, ऑफलाइन भी देने आते हैं। तो हम किसी भी बच्चे का साथ तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक वो कामयाब नहीं हो जाएगा, चाहे वो टेस्ट सीरीज के जरिए जुड़ा रहे, चाहे उसको हम ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल करवाएं। और एक क्वेरी बहुत ज्यादा आई है, अभी आई है पहली बार, मतलब इन दिनों में, कि सर हमें मेरे जो टॉपिक होते हैं जो एमएसएन और फंडामेंटल के प्रैक्टिकल से जुड़े हुए क्लिनिकल टॉपिक हैं, मोस्टली फंडामेंटल के प्रोसीजर इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं हॉस्पिटल में होने वाले, उनके कोर्सेज अगर उनको लेने हैं, तो ऐसी व्यवस्था भी हमारे पास में है कि आपको अगर केवल एमएसएन और फंडामेंटल की उन टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है जो आपकी वीकनेस बन गए हैं या जो एम्स के एग्जाम में बहुत ज्यादा सवाल लेकर के आ रहे हैं, तो वो फैसिलिटी भी प्रयोग कोचिंग में आपको मिल जाएगी।
तो जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है, आपको सिर्फ प्रैक्टिकल वाला पोर्शन चाहिए जिसमें स्किल बेस्ड ट्रेनिंग होगी या इसमें वो टॉपिक होंगे जो हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं, तो वो आपको अलग और कम प्राइस में मिल जाएंगे। अगर आप ऑनलाइन ले सकते हो तो आपको ऑनलाइन बैच मिल जाएगा। ऑफलाइन अगर आप जयपुर में बैठ करके क्लास ले सकते हो तो वो सबसे बढ़िया है, अगर वो पॉसिबल है तो वो आप ले सकते हो। बैचेस अभी शुरू ही हुए हैं। और फीस की जहां तक बात है, तो अगर आप रिपीटर बच्चे हैं या आपकी कोई और परेशानी है, तो मेरी पूरी टीम आपकी मदद के लिए तैयार है, लेकिन आपको अपनी प्रॉब्लम बतानी पड़ेगी। आप जब यहाँ आएंगे तो आपको महसूस होगा कि आप हमारी जो कोचिंग है वो दूसरी कोचिंग से किस तरह से डिफरेंट है। हम जो बच्चे को ट्रीट करते हैं वो इंडिविजुअल फोकस के साथ में ट्रीट करते हैं। तो मैंने रैंक के हिसाब से भी आपको बता दिया। अब इस वीडियो को देख करके कुछ बच्चे शायद थोड़े खुश हो जाएंगे, कुछ बच्चे थोड़े से दुखी होंगे, परेशान होंगे कि सर हमारी रैंक तो एक्चुअली इसके पीछे है, तो क्या कोई संभावना नहीं है। तो देखो बच्चों, ये सिर्फ एक अंदाजा है, आकलन है, ये एक कैलकुलेशन है कि सब पुराने ट्रेंड को देखते हुए या जो रैंक निकाली उसको देखते हुए, क्या पता एम्स कोई और डिसीजन ले ले। अभी एक सवाल और बच्चे पूछ रहे थे कि सर ये जो 1000 के आसपास सीट्स बचेंगी उन सीट्स का क्या होगा, तो उनकी ज्यादा संभावना ये है कि जो आगे सेप्टेम्बर वाला जो नॉर्सेट होगा उसमें सीट्स को बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि जो बच्चा क्वालिफाई नहीं कर पाया उसको तो किसी हालत में एम्स नहीं लेगा। लेकिन हाँ, इससे एक मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट मिला है कि हमें अपनी तैयारी के स्तर को ऊपर बढ़ाना है। कई बच्चे मैंने वीडियोस देखे, कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब ऐसा लगता है ये तो रिजल्ट ही फर्जी है, ऐसे किसी एम्स में 4-5 लोगों ने बैठ करके अलग अलग कैटेगरी से कुछ लोगों को लिया और नाम छाप दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं है बच्चों। और एम्स सिर्फ नर्सिंग का ही एग्जाम नहीं करवाता, ध्यान रखना, एम्स में हर फील्ड, चाहे वो फार्मेसी हो, चाहे वो मेडिकल हो, मेडिकल में भी MBBS का, MD का, नर्सिंग के अलावा पैरा मेडिकल का, हर एक स्पेशलिटी के लिए पूरी एक सेल होती है जो पूरे साल सिर्फ पेपर सेट करने में, उसके ऑप्शन बनाने में और उसके तैयारी में लगी रहती है, उसके रिजल्ट में लगी रहती है। तो इतना कोई ऐसा नहीं है कि कोई भी उठ करके एम्स में और कुछ भी कर देगा, पूरा सिस्टमेटिकली चलता है, कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, कोई पेपर आउट नहीं हुआ। एक बच्चे ने जो गड़बड़ की थी उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया, 3-4 जगह से और कुछ खबरें आई थी उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया। तो ये बहाने बनाने बंद कर दो कि इस वजह से मेरा नहीं हो रहा। रीजन सिर्फ एक है कि जो क्वेश्चन पेपर आया था वो प्रैक्टिकल बेस्ड था। आप कुछ उसको एनक्लेक्स से जोड़ सकते हो, क्योंकि एनक्लेक्स में जो क्वेश्चन है वो एक्चुअली प्रैक्टिकल बेस्ड है कि पेशेंट की कंडीशन ये है, आपके रेस्पॉन्स क्या क्या होंगे, कौन कौन सी बातें आपको करेक्ट लगती हैं, तो वो सारे आपको टिक करने होते हैं। तो वो प्रैक्टिस आपकी इस तरह की होती है कि क्लिनिकली आपको साउंड होना है। आपकी नॉलेज क्लिनिकल की अगर बहुत ज़्यादा अच्छी है तो एम्स का कोई एग्जाम आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा। मैं इसी के साथ अपना वीडियो खत्म कर रहा हूँ, और एक बार फिर से मैं, आपने जो सपोर्ट दिया है चैनल के, हमारे सब्सक्राइब किया है, वीडियो को लाइक किया है, शेयर किया अपने दोस्तों के साथ, उसके लिए मैं थैंक यू बोल रहा हूँ बच्चों। प्रयोग की लाइव क्लास डेली यूट्यूब पर रहती है 8 बजे से, तो मैं थोड़ा सा लेट हूँ 5 मिनट, और वो शुरू होने वाली है, तो आप रेगुलर क्लासेस के लिए जुड़ सकते हैं। आपको उसे एक आइडिया लग जाएगा कि हम जो क्वेश्चंस करवा रहे हैं प्रैक्टिस वो किस लेवल के हैं, हमारी जो टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चन आते हैं वो किस लेवल के हैं, उससे आपको पता चल जाएगा कि एम्स के लेवल के हैं या नहीं है। थैंक यू सो मच, और वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, अच्छा लगे तो दोस्तों को भेजना। थैंक यू गाइज़।